जैसा आपने आईएमएफ के बारे में बात की, आपको नहीं लगता है कि आईएमएफ इज स्लोली बट श्योरली किलिंग पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज एज वेल? सिंस 1958 हम लोगों ने अयूब खान के ज़माने से आईएमएफ के पास जाना शुरू कर दिया। अब उसको हम कुछ भी बोलें, बुरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि बीप सेटिंग प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन बुरी बात नहीं करेंगे, लेकिन जाते हैं, कर्जा मांगने जाते हैं। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा आईएमएफ के पास गया है, मोर देन श्रीलंका। और अभी श्रीलंका की हालत देखें, पूरी तरह से पाकिस्तान आईएमएफ के पास जकड़ा हुआ है। और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का जिसका आपने जिक्र किया कि 100 रुपए की चीज़ मंगवाते हैं, 50 रुपए की बेचते हैं, बीच में जो बचा है उसका क्या करेंगे? हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते, हम क्यों नहीं करते, हम कुछ मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते, हम असेंबलर क्यों हैं? हम एसी भी असेंबल करते हैं, फोन भी असेंबल करते हैं, गाड़ी भी असेंबल करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करते। और जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, कोई इंडस्ट्री लगेगी तो 17 इदारे आ जाएंगे आपसे रिश्वत मांगने के लिए, और मुश्किल है, अजाब है इस मुल्क में फैक्ट्री खोलना। तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है? और कभी किसी इंडियन दोस्त से मिलते हैं हम तो ये बोलते हैं कि यार आप तो इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, वहां की एक्सपोर्ट आप देखें 500 से 600 बिलियन डॉलर्स क्रॉस करने वाली है। जितनी गाली देने दे दें उनको, लेकिन वो काम कर रहे हैं अपना और एक्सपोर्ट कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल। हमारी एक्सपोर्ट मुश्किल से 30 बिलियन डॉलर्स, विच इज़ वेरी सैड, और इम्पोर्ट हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। कुत्ते बिल्ली का खाना भी हम इम्पोर्ट करेंगे क्योंकि हम बना ही नहीं सकते वो, विच इज़ क्वाइट सैड। तो क्या वजह है कि हम कुछ बना ही नहीं पाते और ये आईएमएफ इस तरह से मार रहा है हमें? कब तक मारेगा और खुदा ना खास्ता हम नेक्स्ट श्रीलंका ना बन जाए? आपने जवाब भी सवाल भी पूछा और जवाब आपने दे दिया कि जब आप अपने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, देखिए जब मुल्क में डॉलर्स आएंगे नहीं और आप ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं इम्पोर्ट्स पे ज्यादा, तो वो कोई भी इकोनॉमी सस्टेन नहीं करेगी। एक घर में आप सिंपल ले लेना कि अगर घर में मेरे जो खर्चे ज्यादा है, मेरी आमदनी कम है, घर बैंकक्रप्ट हो जाएगा, तो वही मुल्क है। जब आप इम्पोर्ट ज्यादा, तीन गुना ज्यादा इम्पोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कभी कोशिश ही नहीं की एक्सपोर्ट बढ़ाने की। और आपने ये भी सेकंडली बात सही की कि जब एक खुद ही पॉलिसीज ही एक मुल्क को ट्रेडिंग मुल्क बना देता है, तो वो इवेंचुअली, तो आपने आईएमएफ के पास जाना, आईएमएफ के पास क्यों जाता है? डॉलर्स कम हो जाते हैं। अब हमने क्या कोशिश की, पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई अभी, जो हमारे इंशाल्लाह 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स। फिर हमने जो दूसरे डॉलर्स बाहर से, जो हमारा बहुत बड़ा एसेट है ओवरसीज पाकिस्तानी, उनसे हमने रिकॉर्ड रिमिटेंसेस इकट्ठी की। 19 अरब पे ये छोड़ के गए थे, हमारा 31 अरब पे पहुंच गए। और फिर जो हमारी कोशिश थी कि इन्वेस्टमेंट लेके आए, मैं अब दो कोशिश की थी, दो, एक तो कराची में बंडल आइलैंड के ऊपर हमारा कोशिश थी कि एक मॉडर्न सिटी बने, और दूसरा लाहौर में रूडा सिटी। इसका मकसद क्या था? एक तो दोनों शहरों को प्रेशर रिलीव करने के लिए, शहर फैलते जा रहे हैं, जितने बड़े शहर होते फैलते जाएंगे उतनी आपको ना उनको पानी दे सकते हैं, सूरज सिस्टम वेस्ट नहीं कर सकते। अब न्यूयॉर्क है वो ऊपर चला गया ना, जो भी दुनिया के शहर हैं वो ऊपर जाते हैं, ये फैलते जा रहे हैं। तो हमने कोशिश की थी मॉडर्न सिटीज, एक रूडा जो लाहौर में रावी सिटी जो है, और दूसरा ये बंडल आइलैंड, ये मॉडर्न सिटी ऊपर जाने के लिए। तो एक सिंध गवर्नमेंट ने हमें, वो कहते थे कि हम कंट्रोल करेंगे, सिंध गवर्नमेंट आ गई तो इतने करप्ट हैं, किसी ने पैसे देने ही नहीं थे क्योंकि स्पॉन्सर्स आने थे, तो वो अबैंडन हुआ। रूडा का अच्छा हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल टेक ऑफ स्टेज पे था, एक जज ने एक साल का स्टे ऑर्डर दे दिया, वो आगे पढ़ने थे। बहरहाल वो भी एक मॉडर्न सिटी की तरह, उसमें बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी थी, बाहर से डॉलर्स आने थे। वो जो इंटरम है ना, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, तो उसमें हमने इन्वेस्टमेंट डॉलर्स की लेके आनी थी ताकि वो गैप कवर हो जाए, जो डेफिसिट कवर हो जाए। आईएमएफ डिक्टेट करता है कि जनाब आपके डॉलर्स कमी है तो इसलिए अपनी डिमांड कम करें। जब आप डिमांड कम करते हैं मतलब कि आप टैक्सेस लगा देते हैं, आप सब्सिडीज खत्म कर देते हैं, क्योंकि तो उनका तो इंटरेस्ट और होता है। वो तो एक बैंकर है, वो आपको पैसे दे रहे हैं, जैसे मैं कर्ज दे रहा हूं आपको, मैं कहता हूं जी कर्ज आप वापस कैसे करेंगे, तो ये चीजें करें नहीं तो मैं पैसे नहीं देता। वो ये आईएमएफ वो है। क्वेश्चन ये है कि हम क्यों 20 दफा आईएमएफ के पास गए? क्योंकि हमने कभी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई नहीं, कभी कोई कंसर्टेड कैंपेन ही नहीं हुई, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि डॉलर्स कैसे ज्यादा आ सकते हैं। तो हमने यही कोशिश की थी और हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स में रिकॉर्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थी। लेकिन ये गैप फिल करने के लिए थोड़ी और सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए। इन दोनों के नून लीग की आप 99 देखें, तब ये बिल्कुल बैंकक्रप्ट छोड़ के गए, तब आईएमएफ के पास जाना पड़ा। फिर आप ये जो 2018 में वो सबसे बड़ा डेफिसिट छोड़ के गए, एक्सपोर्ट्स तो इनके 2-5 साल में बढ़ी नहीं,
तो वो फिर हमें छोड़ के गए डेफिसिट। लेकिन ये जो था ये हमारी ट्रेंड ठीक जा रही थी इस वक्त, तो हमने कवर कर लेना था आगे जाके गैप।